ये कंप्यूटर के द्वारा ये पूरा का पूरा पैनल कंट्रोल किया जाता है। लाइटनिंग या कोई भी नॉइज आईएफ के थ्रू हेड एंड में ट्रैवल नहीं करती और केबल मैनेजमेंट भी आसान हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, हर एक कलर एक अलग पर्पस को रिप्रेजेंट करता है। प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आज हम आए हैं एससीसी के कंट्रोल रूम में। आजकल इसे डिजिटल हेड एंड भी कहते हैं। ये लोकेटेड है मंचर में, जो है पुणे सिटी के पिंपरी चिंचवड़ से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। एससीसी केबल टीवी और इंटरनेट सर्विसेज महाराष्ट्र के अलग अलग शहर और रूरल एरियाज में ऑपरेट करता है। तो आज एससीसी के हेड एंड और ऑफिस का टूर करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इलेक्ट्रिकल रूम में। इलेक्ट्रिकल पैनल है पूरा, जिसके अंदर दो सेक्शन है, एक क्रिटिकल सेक्शन, नॉन क्रिटिकल सेक्शन। ये पूरा का पूरा पैनल कंप्यूटराइज है, एक कंप्यूटर इसके अंदर लगा हुआ है। ये कंप्यूटर के द्वारा ये पूरा का पूरा पैनल कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे MACP का इनपुट है, MACP के इनपुट से पूरा नेटवर्क चलता है। क्रिटिकल सेक्शन और नॉन क्रिटिकल सेक्शन दोनों चलते हैं। अगर MACP डाउन होती है तो सबसे पहले UPS ऑन होगा, UPS के जरिए से हेड एंड पूरा चालू रहेगा। दो अलग अलग UPS लगे हुए हैं, एक UPS पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर एक UPS डाउन हुआ तो दूसरा UPS पूरा टेक ओवर कर लेगा। तो ये UPS के द्वारा पूरा हेड एंड चालू रहता है, कंट्रोल रूम बंद नहीं पड़ता। और विद इन 30 सेकेंड्स ये पैनल जनरेटर को कमांड भेजेगा चालू करने के लिए। तो जनरेटर से कमांड जाने के बाद में 30 सेकंड्स के अंदर जनरेटर ऑन हो जाएगा, और उस जनरेटर को हम SMS के जरिए या तो फिर उसका पोर्टल के जरिए हम ऑर्डर कर सकते हैं कि उसमें डीजल कितना है और वो कितनी देर से चल रहा है और कितनी देर तक चल सकता है। अगर मान के चलो कि वो बड़ा वाला जनरेटर चालू नहीं होता है, या तो उसमें कोई डीजल कम है या प्रॉब्लम है या खत्म हो गया है, जो भी इश्यूज है, अगर वो चालू नहीं होता है तो ये पैनल ये नॉन क्रिटिकल सेक्शन को टोटल बंद कर देगा, उसको UPS के ऊपर चालू रखेगा और क्रिटिकल सेक्शन के लिए थर्ड जनरेटर ऑन करेगा, जो छोटा वाला जनरेटर बाहर आपने देखा होगा, छोटा वाला जनरेटर को चालू करेगा और क्रिटिकल सेक्शन फिर भी चालू रहेगा। तो क्रिटिकल सेक्शन के लिए मल्टीपल बैकअप्स दिए गए, पहले MACP, UPS, सेकेंड UPS, फिर बड़ा जनरेटर, फिर छोटा जनरेटर। तो मल्टीपल बैकअप्स का ये दिया हुआ है। यहाँ पर ये स्टेबलाइजर है, वोल्टेज अप डाउन हुआ तो ये स्टेबलाइजर ऑन किया जाता है। ये पूरा कैपेसिटर पैनल है, ये पूरा कंट्रोल यहाँ से किया जाता है। अब चलते हैं ऑफिस के अंदर। ये रिसेप्शन एरिया है। ये हेड एंड के साथ साथ इस लोकल एरिया का कस्टमर सपोर्ट सेंटर भी है।
SCC का एडमिन ऑफिस पुणे में है। ये मटेरियल का स्टोर्स है। काफी लोग कैमरा कॉन्शियस है यहां। ऊपर के फ्लोर पे चलते हैं। सिटी के बाहर ऑफिस रखने का ये एक बहुत बड़ा फायदा है, स्पेस ही स्पेस है। प्रोग्रामिंग सेक्शन है। लोकल एरिया का फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन। बॉस का ऑफिस, इसके ओनर मिस्टर इरफान सैयद है। वैसे तो वो पूना में रहते हैं, जब यहां आते हैं तो ये उनका ऑफिस है। बॉस अपनी जगह बैठे पूरा रिसेप्शन को मॉनिटर कर सकते हैं। और ऊपर चलते हैं। ये पूरी जगह फ्यूचर एक्सपांशन के लिए खाली है। अभी के लिए इसको सेटअप बॉक्स रखने के लिए गोडाउन बनाया है। STB रिपेयर एंड R&D के लिए वर्क स्टेशन रखा है। यहां सैटेलाइट सिग्नल्स, रिसेप्शन के लिए डिशेस लगे हैं। ये सेगमेंट के सबसे बड़े डिश है, काफी ह्यूज स्ट्रक्चर है। पूरे टेरेस के फेंस पर अर्थिंग की स्ट्रिप लगी है, प्राइमरीली लाइटनिंग अरेस्ट करने के लिए। ऊपर के टेरेस पर भी जा रही है। कूलिंग सिस्टम के आउटडोर यूनिट्स लगे हैं। ऊपर के टेरेस पर भी ऐसे ही डिशेज है। डिश के ऊपर लाइटनिंग प्रोटेक्शन दिया गया है। इधर के अलावा पुराने हेड एंड के टेरेस के डिश भी है। पुराना हेड एंड यहां से आधा किलोमीटर दूर है। उन डिश के सिग्नल्स को फाइबर के जरिए यहां लाते हैं। सभी डिश का IF यहां लाया जाता है और यहां से सिर्फ एक फाइबर ऑप्टिक केबल हेड एंड में लेकर जाते हैं। इससे हेड एंड और डिश फार्म आइसोलेट हो जाता है। लाइटनिंग या कोई भी नॉइज IF के थ्रू हेड एंड में ट्रैवल नहीं करती और केबल मैनेजमेंट भी आसान हो जाता है।
ये ट्रांसमीटर है और हर रैक के नीचे इसका रिसीवर लगा हुआ है, तो हर जगह केबल मैनेजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। अब चलते हैं हेडेड में। यहां पर भी एक इलेक्ट्रिकल पैनल है, ये हेडेड के रैक्स और एसी का इलेक्ट्रिकल पैनल है। इस पैनल को बाहर रखा है ताकि इमरजेंसी के दौरान हेडेंड के अंदर जाने की जरूरत ही ना पड़े। ये हेडेंड मॉनिटरिंग टीम के बैठने की जगह है। वैसे तो हेडेंड हर वक्त रिमोटली ऑपरेट करने आए ऐसे ही डिजाइन किया है, फिर भी टीम राउंड द क्लॉक यहां पर अवेलेबल है। ये रहा हेडेंड, इसको फिश बाउल के जैसा डिजाइन किया है ताकि बाहर बैठी टीम कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सके और डस्ट और हीट से प्रोटेक्शन मिल सके। एक्सेस कंट्रोल है और एंट्री सिर्फ ऑन ड्यूटी हेडेड मॉनिटरिंग टीम को ही रहती है। हेडेड की कूलिंग के लिए प्रिसीजन एसी बिठाए हैं, वो टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी दोनों कंट्रोल करते हैं। इसको भी बैकअप है, एक इस एंड पर है और एक उस एंड पर है। अभी टेम्परेचर बहुत चिल्ड है। यहाँ पर उसको सैटेलाइट का फीड दिया हुआ है।
ये सारे एलईडीज को सैटेलाइट का फीड, यहाँ से अलग अलग सैटेलाइट का फीड अलग अलग आए। थोड़ा पीछे से केबल मैनेजमेंट का ग्लिम्स दिखाता हूँ। अलग अलग कलर्स के केबल अलग अलग पर्पस के लिए यूज किए गए हैं ताकि मेंटेनेंस के लिए आसान हो। ये सैटेलाइट की केबलिंग है जो रैक के नीचे जो रिसीवर लगा है उसको कनेक्ट हो रहा है। ये नेटवर्क की केबलिंग है जो अलग अलग स्विचेस को कनेक्ट हो रहे हैं। ये बैकअप के लिए एसी इंस्टॉल्ड है, अगर प्रिसीजन एसी फेल हो गए तो इन्हें यूज कर सकते हैं। ये एसडीआई का कनेक्शन है जो सर्वर बेस्ड एनकोडर में जा रहा है। अगर कोई ब्रॉडकास्टर एसडीआई वाली आईआरडी नहीं देता तो उसको एचडीएमआई से एसडीआई में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये सारे सर्वर्स में दो Xeon Platinum प्रोसेसर और 96 GB रैम। प्रोफेशनल आईआरडी का फ्रंट पैनल ऐसे दिखता है। हर एक शेल्फ में एक इक्विपमेंट एक चैनल को रिप्रेजेंट करता है। ये मेन नेटवर्क का रैक है जिससे सब रैक्स के सब इक्विपमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, हर एक कलर एक अलग पर्पस को रिप्रेजेंट करता है। ये मैनेजमेंट के सर्वर्स हैं, इनका भी अलग अलग पर्पस है।